हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल तिहाल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज की जो आपकी वीडियो है टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th का टॉपिक है आपका रिडॉक्स रिएक्शन यूनिट का। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। तो स्टूडेंट, आज आपका है टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपकी चार टाइप की है। फर्स्ट है आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन और उसके बाद सेकंड है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्ड है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। जो आपकी तीन जो शुरू में है कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन रिएक्शन को आप 10th क्लास में कर चुके हो और जो आपके लिए इस बार जो नई है वो है आपकी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट कंबाइंड एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, जिसमें आपके दो एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक नई चीज बनाएंगे, एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास है H2 प्लस में O2, दोनों ने मिलके बना दिया आपका H2O2। इस केस में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उनके ऑक्सीडेशन नंबर में भी कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। अपनी रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये बोला है, ये हम कर रहे हैं टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे चार्ज लेते हैं हाइड्रोजन पे 0, O2 पे 0, इस केस में हाइड्रोजन परऑक्साइड में, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1 चार्ज आएगा ड्यू टू परऑक्साइड लिंकेज और H पर आपका +1। आप देखेंगे इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है। ऑक्सीजन में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 चेंज है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बताया आपको, जब दो एलिमेंट जुड़ेंगे या दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, जुड़कर एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका इसका एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी आपका एक कम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इसमें आपके दो रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब इस केस में हम देखेंगे कार्बन का चार्ज 0, ऑक्सीजन का चार्ज 0, यहाँ ऑक्सीजन का चार्ज -2 और कार्बन का +4, तो ये है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपका एक रिएक्टेंट डीकम्पोज करेगा दो प्रोडक्ट में। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू टू प्रोडक्ट। एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, चलो यहां पे हमने एग्जांपल ले लिया H2O, जब इसको हम हीट करेंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये आपका टूटेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 4 2H2 एंड प्लस O2। तो यहाँ पे आपका एक वाटर मोलिक्यूल, सॉरी आपके टू वाटर मोलिक्यूल थे, ये आपके किस में टूट गए, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद ये आपका किस में टूट गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीजन पे -2 और हाइड्रोजन पे आपका आएगा +1। इस केस में हाइड्रोजन पे 0,
ऑक्सीजन पे भी जीरो। तो ये आपका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिसमें आपका रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूटेगा, इनकी उसको बोलेंगे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी आपकी सेम कंडीशन है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, यानी इट मींस इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होंगे। अब इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मेटल और आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय अदर मेटल और आयन। इनकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपका कोई भी आपका आयन्स और एटम और या मोलिक्यूल्स डिस्प्लेस कर दिया जाएगा किसी अदर एटम और आयन से। ए एटम और आयन्स आयन इज डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम और आयन्स। तो जिसमें एक एटम और आयन्स किसी दूसरे एटम और आयन्स के द्वारा क्या कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए, उसको बोलेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपके यहाँ पे दो टाइप है, फर्स्ट आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट और सेकंड है आपका, फर्स्ट है आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकंड है आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर बात करें मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, मेटल डिस्प्लेसमेंट, इन द केस ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि इसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, उसको आपका बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पर आपके पास है फेरस सल्फेट प्लस जिंक, तो जब इस रिएक्शन को हम करेंगे तो हम करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस Fe। इट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। जिंक आपका क्या है, आयरन से मोर रिएक्टिव है, तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, और आयरन को डिस्प्लेस करने के बाद सल्फेट के साथ जुड़ गया और क्या बन गया आपका, जिंक सल्फेट प्लस Fe। तो ये आपका है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल आपका 10th क्लास में भी था, कॉपर सल्फेट प्लस Fe। अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जब कलर की बात करते हैं तो इसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और आयरन जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो आपका बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो अब इसका कलर डिस्प्लेसमेंट के बाद ब्राउन कलर का अपीयर होगा। तो ये है आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूजेस कहाँ होता है, इसका यूजेस करते हैं हम इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, इनकी हम मेटल के को एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इस केस में हम आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला मेथड ही यूज करते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करेंगे एग्जांपल इसका, यहाँ पे आपके पास ओर है
क्रोमियम ऑक्साइड अगर इसको हम रिएक्ट करवाते हैं एल्युमिनियम के साथ में, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्रोमियम, तो यहां आपका बनेगा Al2O3। इट मींस एल्युमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया और हमें यहाँ पे मिल जाएगा आपका क्रोमियम। तो ये है आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका हम यूजेस कहाँ करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। इनकी जो कोई मेटल हमें शुरू में जब मिलती है तो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, वो अपनी ओर वाली फॉर्म में मिलती है, कंबाइंड इनकी इम्प्योरिटी उसमें कंबाइंड होती है। उसको प्योर करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, किसी दूसरी मेटल को डालेंगे जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। यहाँ पे अगर बात करें एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू क्रोमियम, तो एल्युमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया। अब हमें यहाँ पे जो क्रोमियम मिली है वो प्योर फॉर्म में मिली है। उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर बात करें नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस केस में आपका मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, बिकॉज मेटल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इस केस में आपने ध्यान रखना है कि मेटल हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस करेगा। तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल में आता है तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, सोडियम की और वाटर की, जब हम सोडियम के साथ में वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनेगा 2NaOH plus H2। तो इस केस में हम देखेंगे स्टूडेंट सोडियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर हो गई। तो ये बनेगा आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका आता है कि हमने नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट और मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है और इस रिएक्टिविटी सीरीज से हम बता सकते हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। उस सीरीज के बारे में हम इस टॉपिक के लास्ट में करवाएंगे। इसके बाद आता है आपका डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। और इस केस में आपने ध्यान रखना है, कई बार आपका जो नीट और जेईई मेन का एग्जाम होता है उसमें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, वैसे जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होता क्या है। द रिएक्शन इन विच ए पार्टिकुलर एलिमेंट एट ए पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर सो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इनकी वो रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ में रिडक्शन भी होता है एट ए पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, एक एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइज भी होगा और
रिड्यूस्ड भी होगा एट ए पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर। एक पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर पे जो आपका एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस्ड भी होगा। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं Cl2 plus NaOH। तो इस केस में जब हम देखेंगे तो आपका बनेगा 5NaCl plus यहाँ आपका बनेगा NaClO3 सोडियम हाइपोक्लोरेट प्लस साथ में आपका बनेगा 3H2O। अब हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में आपका एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 0, क्योंकि आपका एलिमेंट स्टेट में होता है ये। Cl का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे -1। और इस केस में अगर हम बात करते हैं Cl के ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीजन के चार ऑक्सीजन का जब हम चार्ज निकालते हैं तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे -6 और सोडियम के ऊपर +1, इट मींस नेगेटिव के 5, माइनस के 5 बच चुके हैं ना पीछे 6-1, तो इट मींस क्लोरीन पे चार्ज आपका आएगा +5। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन आपका डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। इसमें क्लोरीन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और साथ साथ में रिड्यूस्ड भी हो रहा है, दोनों का ही काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन का एज वेल एज रिडक्शन का। तो अब हम देखेंगे क्लोरीन की बात करें तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका -1। इट मींस इट विल रिड्यूस्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है इसका रिडक्शन। और क्लोरीन का यहाँ पे चार्ज 0 है और यहाँ पे +5, यानी कि यहाँ तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कितनी की कमी होगी +5 की, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। पॉजिटिव वैलेंसी क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में इसका क्या होगा, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरह के केस में हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। इनकी वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट का क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन भी होगा एज वेल एज रिडक्शन भी होगा, उसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अब हम करते हैं कुछ और एग्जांपल डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन के, और जो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनके ऊपर आपका CBSE बोर्ड में और हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार ये आपके क्वेश्चन JEE मेन के एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। तो वो एग्जांपल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्जांपल है हाइपोक्लोराइट आयन। अगर हम बात करें हाइपोक्लोराइट आयन की, हाइपोक्लोराइट आयन है आपका ClO नेगेटिव। अगर हम बात करें ये किस प्रकार डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, तो जब आपका हाइपोक्लोराइट आयन रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है आपका 2Cl नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन और क्लोरेट ClO3 नेगेटिव आयन। अब बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो यहाँ पे क्लोराइड के ऊपर जो क्लोरीन है उसके ऊपर +1 चार्ज होगा, और इस केस में क्लोराइड के ऊपर गिवन चार्ज है -1। इट मींस अपने को पता है यहाँ पे +1 और इस पे क्या आ गया आपका -1। और अगर बात करें क्लोरेट की, क्लोरेट के ऊपर चार्ज आएगा आपका +5। और तो अब हम बात करें कि आप हम इस चार्ज को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वैसे मैं चार्ज की वीडियो पिछली उसमें कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी अगर आपने चार्ज को करना है तो मैं इसमें आपको चार्ज का एग्जांपल भी, चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एग्जांपल भी हम कर लेंगे। सेकंड आता है आपका क्लोराइड आयन। अगर बात करें क्लोराइड आयन की, तो क्लोराइड आयन में इसका फॉर्मूला है आपका ClO2 नेगेटिव आयन।
तो ये किसका किस में टूटेगा आपका, सी एल नेगेटिव आयन में और प्लस टू क्लोरेट आयन में, सी एल ओ थ्री नेगेटिव आयन में। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, इस पर प्लस थ्री और इस पर प्लस फाइव, तो इस केस में और ऊपर वाले केस में जब हम देखेंगे दोनों ही केस में क्लोराइड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। अगर बात करते हैं क्लोराइड की, इस केस में यहाँ आपका ClO से बन गया Cl नेगेटिव आयन, तो Cl नेगेटिव आयन जब बना तो यहाँ आपका क्या हो गया, इस केस में आपका हुआ है रिडक्शन, क्योंकि आपका नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, और यहाँ आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपकी पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रही है। मैं ये बोलूँगा आपको यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है इसके पास, और यहाँ इसने पांच इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तो इट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में हमने यही स्टडी किया था कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आपकी वो होती है जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और साथ साथ में रिड्यूस्ड भी हो, रिडक्शन भी करे और ऑक्सीडेशन भी करे। अब बात करते हैं सेकंड क्लोराइड आयन की। अगर क्लोराइड आयन पे चलो हम चार्ज कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। हमने ले लिया 3ClO2 नेगेटिव आयन, इस केस में जब हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको चार्ज करने कैलकुलेट करने से पहले एक बात बताई थी, अगर मान लो गिवन चार्ज है उसको हम हमेशा इक्वल के इस साइड लेंगे, तो यहाँ पे गिवन चार्ज है -1, लेकिन -1 के आगे कितना है, कंपाउंड के आगे आपका 3 है, इट मीन्स ये आपका जो नेगेटिव आयन है, जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 टाइम प्रेजेंट है, इट मीन्स इसके लिए हम क्या करेंगे -1 × 3। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की और क्लोरीन की, हमने चार्ज कैलकुलेट करना है क्लोरीन पर, क्लोरीन का आता है आपका, क्लोरीन के नंबर है यहाँ पे 3 और क्लोरीन को मान लिया हमने एक्स प्लस। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का चार्ज है -2, लेकिन ऑक्सीजन अपने पास है कितने, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे आपका बन गया 3x प्लस -12 = -3। अब x बराबर 12 उस जाके प्लस का 12 9, तो x बराबर 9/3, इट मीन्स जो आपका क्लोराइड है, जो क्लोरीन है उसके ऊपर आपका चार्ज आएगा +3। इस तरह से हम बाकी कंपाउंड के ऊपर भी चार्ज निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो यहाँ पे प्लस 3 की कमी थी, यहाँ एक फालतू ऐड कर गया, अगर ऐड होगा तो रिडक्शन, यहाँ आपकी 5 की कमी हो गई, इसका मतलब पॉजिटिव वैलेंसी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, तो ऑक्सीडेशन। सेम ऐसा इस केस में है, ये आपका क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन के केस में प्लस 5 की कमी है यहाँ पे और यहाँ प्लस 7 की, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और इस केस में यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया, इनकी इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इट मीन्स इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन। तो इन सभी केस में हमने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाई डज नॉट परक्लोरेट आयन, ये है आपका परक्लोरेट आयन, व्हाई डज नॉट परक्लोरेट आयन अंडरगो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, यहाँ पे आएगा आपका अंडरगोस डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, इनकी जो आपका परक्लोरेट आयन है वो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन को फॉलो क्यों नहीं करता। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि अगर हम बात करेंगे परक्लोरेट आयन के केस में, ClO4 नेगेटिव आयन के केस में, तो इस केस में आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, तो और
किसी भी कंपाउंड में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +7 ही है। इनकी क्लोरेट आयन के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका +7। तो इस कंपाउंड में इसका रिडक्शन तो पॉसिबल है, रिडक्शन तो पॉसिबल है, इट सो ओनली रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर सकता है, बट डज नॉट सो ऑक्सीडेशन, लेकिन ये ऑक्सीडेशन सो नहीं कर सकता, क्योंकि इन केस ऑफ क्लोराइड आयन इट हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली +7। इसकी केवल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो सकती है, और जब तक ये इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और हमने ये बोला है कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका रिडक्शन तो पॉसिबल है बट ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, सो इट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन इन एनी सॉल्यूशन। तो इस वजह से ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करता किसी भी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, ये कई बार आपका क्वेश्चन आता है जेई मेन और नीट के एग्जांपल में, आपको चारों एग्जांपल दे दिए जाते हैं, हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट एंड क्लोरेट एंड परक्लोरेट आयन। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करता। तो इस केस में हम बताएंगे कि आपका हाइपोक्लोराइट और क्लोरेट और क्लोराइट और क्लोरेट, ये तीनों तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो कर सकते हैं, क्योंकि इन पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5 है। लेकिन इस परक्लोरेट के केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +7 है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण, क्योंकि क्लोराइड आयन आपका 7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ओनली रिडक्शन इज पॉसिबल, सो इट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, ये था आपका डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के एग्जांपल। इसके बाद आपको आता है रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमें ये बताने में हेल्प करती है कि कौन सा एलिमेंट आपका मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट आपका लेस रिएक्टिव है। और रिएक्टिविटी सीरीज आपकी कुछ इस प्रकार है, सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है आपका सोडियम और पोटेशियम, तो इसलिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि वाई सोडियम और पोटेशियम कैप्ट और स्टोर्ड इन ए कैरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, बाई इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, वैन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर इनको हम खुले में छोड़ेंगे तो दे रिएक्ट ईजली विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन आवर एटमोसफेयर। तो ये क्या हो गए, एटमोसफेयर में और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके साथ में रिएक्शन कर लेंगे, और रिएक्शन इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, रिएक्शन आपकी क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक होगी, और जिसके कारण सोडियम एंड पोटेशियम ईजली कैच फायर और ये आसानी से आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको हम कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अगर हम बात करेंगे रिएक्टिव मेटल नॉन रिएक्टिव मेटल को किस तरह से डिस्प्लेस करेगी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो यहाँ हम देखेंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो कॉपर इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपका काफ़ी नीचे आता है, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, और यहाँ पे आपका बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो स्टूडेंट, ये थी आज आपकी, टॉपिक था आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट,
आपकी वीडियो इज कंप्लीट। स्टूडेंट तो आज ये था आपका आज का टॉपिक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।